जबान संभाल के जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के जबान संभाल के मैं गवर्नमेंट का अफसर हाँ, हिंदी भाषा सीखता हाँ। हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी। हम हांगकांग से आया बड़ी, इतना डॉलर लाया। इतना धीरे से कहो, टैक्स वालों से बचो। कोई सिंधी, कोई पारसी, कोई रूसी तो कोई अरबी, कोई ब्रिटिश राज का राइटर तो कहीं मद्रासी अभिनेत्री। एयर होस्टेस एक कॉन्ट्रैक्टर मिलके बोले का खा गा, सबके मन में है अभिलाषा, मिलके सीखे हिंदी भाषा। But man, don't make tamasha. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो भी नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में हाय हाय, यहाँ तो पहले से लोग मौजूद हैं। ए, तुम्हें क्या करते हैं यहाँ पे आपा? ए, मैं कोई आपा आपा नहीं हूँ, मैं यहाँ का चपरासी हूँ। हाँ, दल बदल दिए क्या थोड़ी बिरादरी? बिरादरी? कौन सी बिरादरी? अरे अपनी बिरादरी की बात कर रही मैं, अपने बिरादरी की भूल गए क्या? ए, मैं तुम्हारे बिरादरी का लगता हूँ क्या? तुम्हारे बिरादरी में मेरे जैसे मर्द है क्या? तो फिर हमारे बिरादरी के गाना क्यों गाते तुम्हें? ये गाने पर तुम्हारे बिरादरी का नाम का ठप्पा लगा है क्या? अरे बाबा तुम नहीं, मैं तो समझी कि तुम मिल जाते ना तो मेरा सारा काम आसान हो जाता है। काम? ऐसा काम? वही जो सारे करते हैं, मैं भी वही करने पाई ना। देखो तुम्हारे सब काम बाहर होते, गाना नाचना भीख मांगना। जाओ बाबा जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम जाओ जाओ। अरे धक्का मारते मेरे को, धक्का मारते ही। मैं ऐसी वैसी नहीं, मैं बड़ी इज्जतदार वाली। अच्छा बाबा, बड़ी शराफत से कहता हूँ, मेरे बाप मेरे भाई जाओ यहाँ से। बाप बोलता है, भाई बोलता है, माँ बहन बोलने में शर्म आता है। अरे बोलना माँ। तू मेरा दिमाग बच्चा का, तू जा ना बाबा जा यहाँ से। ना यहाँ किसी की शादी होने वाली है, ना किसी को बच्चा होने वाला है, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मैं तो लेकर ही जाऊंगी जो लेने आई हूँ। बोला कौन देते है? कोई नहीं, यहाँ सब कंजूस है और जो देने वाला है वो अंदर क्लास ले रहा है। अरे मैं भी तो क्लासेस देने आई ना, ले कुछ चलती क्या मेरे को? हाँ, तुम्हारे शरीर के थर्ड क्लास का क्लास नहीं लेते हो? थर्ड क्लास बोलते है मेरे को, थर्ड क्लास बोलते ही। तू ऐसा नहीं जाएगा, ले ले ये ले और जा जा जा। भिखारी? भिखारी समझ के रखो मेरे को, मैं भीख लेने को नहीं आई, मैं एडमिशन लेने को आई। हाँ एडमिशन? क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ देर पहले ठीक था मैडम, अगर उसने खराब कर दिया होगा तो पता नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आए, उसे बाहर से भगा नहीं सकते थे? अरे कैसे भगाओ, बर्फ के जैसे जम कर बैठा है, कहता है एडमिशन लिए बगैर जाओगा नहीं। हाँ लेकिन उसे कैसे एडमिशन दे सकते, हमारी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? मैडम इतना को एडमिशन दी, एक और सही। चतुर्वेदी सॉरी मैडम, मैडम उसका क्या करूँ? उसे किसी हिजड़े के स्कूल में भेज दो। मैडम यहाँ एक छोड़ के और कौन मर्द है? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, I'm sorry मैडम। शर्म नहीं आती? हाय, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, जरा मैं भी तो देखूं। खिचड़ी पक जाएगी तो तुम्हें खिला देंगे, बाहर जाके। कितने देर तक मैं बाहर बैठ के लूं? और इतने देर में तो चुनाव की टिकट मिल जाते हैं, कभी लोग एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तुम्हें एडमिशन कैसे दे सकते, किसी ने ऑब्जेक्शन ली तो? अरे उसको मैं अपने खागरा में छुपा को, पूरा दिल्ली घुमा को, हैदराबाद के चांद मीनार में छोड़ के आते हैं। हाँ तुम्हें डरो ना को, हमको एडमिशन दे डालो। अरे कैसे दे डालू, क्लास में मर्द भी तो पढ़ते हैं। हाँ? अरे तुम मेरे को मर्दा से नको दे रहा हूँ। हाँ? आजकल के मर्दा को मैं अच्छी तरह समझती, अरे अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अरे आजकल के मर्दा तो हमसे भी बदतर है। हाँ क्या मैं तुमको तुमसे बदतर दिखाई देता हूँ? हाँ। मेरे मुंह को नकल लगना। हाँ मैं तुमको उधेड़ कर रख देती, बोलती हाँ समझे? अरे अरे सुनिए सुनिए, वैसे भी आपको यहाँ एडमिशन देना बहुत मुश्किल है, यहाँ की फीस ज्यादा है और फिर डोनेशन भी है। तो हम क्या फोकट में पढ़ने आए हैं? अरे ये लो डोनेशन। हाँ और हमको दो एडमिशन। इतने सारे रुपए? हाँ चोरी करके लाए हो गए। चोरी तुम लोग करते हो? तुम लोग हमारी तो मेहनत की कमाई है, मेहनत की। इनको तो एडमिशन देना पड़ेगा। चतुर्वेदी जाओ मोहन को बुला। लेकिन मैडम ये चतुर्वेदी मोहन को बुला।
यस मैडम। बोलिए आपका नाम? राधा। राधा राधा ना राधा। ओ आर। अच्छा बताइए रेखा और बिंदु में क्या फर्क होता है? सर मैं बता दे, सर मैं बता दे। ओ सर ये क्या बताएगा, इस सवाल का सही जवाब तो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। ठीक है तो आप बताइए कि रेखा और बिंदु में क्या फर्क होता है? रेखा अभी तक जवान है और बिंदु माँ के रोल करने लग पड़ी है। मैं फिल्मों की रेखा और बिंदु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिपि की रेखा और बिंदु के बारे में बात कर रहा हूँ। इनके बारे में तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं है। सर ये दोनों हैं कौन बड़ी? अरे सर ये दोनों न्यूकमर्स हैं क्या, इसलिए इतनी फेमस नहीं हुई अभी तक? भाई लिपि लिखना राइटिंग उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अ के ऊपर आप लगाते हैं एक रेखा वो रेखा, और अ के ऊपर आप एक बिंदु लगाते हैं वो बिंदु, रेखा और बिंदु। सर आपको मैडम ने बुलाया है। अरे भाई हमेशा जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो तब मैडम क्यों बुलाती है? वो तो मैडम ही जाने ना सर। ठीक है आप क्लास लीजिए, मैं मैडम से मिल के आता हूँ। चतुर्वेदी जी ना आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो पूछो। रेखा और बिंदु में क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। हाँ रेखा लंबी होती है, बिंदु गोल होता है, रेखा से सीमा बनती है, बिंदु की कोई सीमा नहीं होती है। क्या आपने मुझे समझ के रखा है मैडम? हुकुम का गुलाम, जब आपने बुलाया मैं हाजिर हो जाऊं। लीजिए आपने बुलाया मैं हाजिर हो गया, बोलिए क्या बात? हाय हाय क्या अकड़, क्या रुबाब, क्या जोश, आते ही चढ़ाई करके रख दिए। उन्हीं को मिलवाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। अच्छा अरे उनको मिलवाने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ हाँ क्योंकि तुम्हें इन्हें पढ़ाना है, ये आपके प्रोफेसर मोहन। ये कौन है, क्या कर क्या रहे? हम अपने गुरु जी की ऐसी इज्जत करते हैं। आप मोहन है ना? हमें राधा। राधा नामा है मेरा, मैं नई नई हैदराबाद से आई ना, हिंदी नहीं आती करके बहुत तकलीफ होते मेरे को। मैं सोचा तुम्हें मेरे थोड़ा हिंदी सुधारेंगे तो दो रोटी कमा के मैं भी खा लूंगी ना। हाँ इनका प्रॉब्लम समझकर मैंने इन्हें एडमिशन दे दी है। मैडम क्या मुझे अब इन्हें भी पढ़ाना होगा? क्यों मेरे को पढ़ाने में आपका क्या घस जाते हैं? मैं नहीं लगते स्टूडेंट। नहीं नहीं आप स्टूडेंट तो लगते हैं लेकिन किसी डांसिंग स्कूल के। लगते हैं, लगती हूँ लगती। आप लगते हैं या लगती हैं या हो जो भी है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ लड़के और लड़कियों को पढ़ाते हैं बस। तो फिर बीच वालों के लिए आपने कहाँ पे क्लास खोल के रखे? देखो देखो मोहन जी हम यहीं पे पढ़ते हैं आपके क्लास में। हाँ अरे भाई अजीब जबरदस्ती है ये तो। जबरदस्ती नहीं हम अपना हक मांग रहे हैं हक। तुम लोग आप पढ़ लिख के आगे निकल जाते हैं। अरे हमको भी एक मौका दे के देखो, हम भी देखो क्या क्या करते हैं। हाँ यार मतलब क्या क्या कर लेंगे यार? तुम्हें लोग तो पढ़ लिख के देश को आगे से धक्का देकर पीछे करते हैं, हम लोग देश को पीछे से धक्का देकर आगे देखो कैसे करते हैं। देखिए आपको जबान सीखनी है तो आप कोई भी जबान सीख सकते हैं, हिंदी जबान क्यों सीखना चाहते हैं आप? नहीं सुनो इनकी हैदराबादी की वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रही है, ये लोगों को समझते हैं लेकिन लोग इन्हें नहीं समझ सकते, इसलिए इन्हें जरा पढ़ाओ हिंदी पढ़ाओ क्लास में लेके। लेकिन लेकिन मैडम मैडम लेकिन लेकिन कुछ नहीं, पढ़ाना लिखाना सिखाना तुम्हारा काम है, क्लास में लेके जाओ इन्हें, मैं आती हूँ। चलिए जी गुरु जी। रेखा के लगने से अक्षर का साउंड चेंज नहीं होता, लेकिन बिंदु के लगने से अक्षर का साउंड चेंज हो जाता है। जैसे द के नीचे बिंदु लगाया तो ळ, ओ के ऊपर बिंदु लगाया तो अ। चलिए चतुर्वेदी जी चलिए जाइए आप। भाई आप सब लोगों को जानकर खुशी होगी कि मिस दीक्षित ने आप लोगों की क्लास में एक नए स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया। हाँ सर उसको सामने तो लेके आओ। नहीं सर वो लड़का है कि लड़की? मुझे तो लगता है कोई बुड्ढा होगा। अरे नहीं 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 औरत भी हो सकती है ना सर। नहीं नहीं कोई हैंडसम बॉय भी हो सकता है। ऐसा है कि आप लोग खुद ही देख लीजिए। आइए भाई आइए तशरीफ लाइए आइए 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 शर्माइए। नमस्ते जी कैसे हैं आप लोग? ठीक तो है ना? ऐसे क्या घूर के देख रहे ले मेरे को, मेरे जैसे पहले कभी देखे नहीं क्या? बोलो सर इसको
कहां से उठा के लाया रे? क्लास में एक ही चीज की कमी थी, मिस दीक्षित ने वो भी पूरी कर दी है। सर सर सर, अभी तो पढ़ाई का बदली में नाच गाना होएंगे ना, टन 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 टन। हमें यहाँ नाचने को गाने को नको आया, हमें यहाँ पढ़ने को आई हूँ। हाँ क्यों है ना गुरुजी? गुरुजी सब लोगों के साथ नजर आ, मेरा इंट्रोडक्शन करा के देते हैं क्या आप? भाई आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन इनके साथ कर लीजिए। ये मेरा नाम युट्टल है। माय नेम इज चार्ल्स। चार्ल्स? कौन से चार्ल्स में रहते हो राजा? मेरा नाम चार्ल्स हाय। ऐसा नाम चाल है तो चलन कैसा होगा? चाल चलन सुधारना है तो अपना सुधार, उसको क्या पूछता है? सरदार जी हमें पूछता ना को, हमें पूछती है ना गुरुजी, पूछती ना। देखिए देखिए देखिए, एक सेकंड प्लीज रिलैक्स कीजिए। देखिए इनका नाम ना चाल है ना चलन है, इनका नाम मिस्टर चार्ल्स है। हम समझ गए गुरु जी। शुरू शुरू में बैठे ले स्वीट गर्ल कौन है? मेरा नाम जीनी हाय। मेरा नाम दस्तोल है। हाँ, वासवानी मोगाबो। रूपाली बेंचू। हम अभिजीत दुराई फ्रॉम मदुरई। हाउ उन्हें पिछू में छुपको बैठे ले कौन है वो बच्चा? बच्ची बच्चों के बाद तुमको बच्चे लगती हाय, इन्हें भी लगती है। लिबास तो मर्दाना पहनता ही, जबान हमारी बोलता ही। गुरुजी इन्हें मिक्स है क्या? क्या बोलती? फिर बोलती? अरे बोलती तो हमें है, तुम्हें तो बोलता हुए ना। मोहन सर अगर ये क्लास में बैठती तो हम जाती। फिर जाती? अरे जाती तो हमें है, तुम्हें तो जाता हुए ना, बोलो ना। बल्ले अपनी पड़ेगी। सर आपने इस को कैसे मिशन दिया? ये सार्वजनिक स्कूल है, कोई भी पढ़ सकता है, किसी को रोक नहीं है। आप लोगों को इसके साथ पढ़ना होगा। जाओ बेटे, तुम्हें जहाँ बैठना है बैठ जाओ। मेरे को तो एक ही जगह पसंद, मैं तो अपने सगे वाले के साथ बैठती ना। तुम अगर इधर बैठती हम तुम्हारे पास नहीं बैठती। बैठती तो हमें, तुम्हें तो बैठता हुए ना। ये ले किधर फंस गई? फंस गई तो हमें, तुम्हें तो फंस गया हुए ना। मैडम मैडम इसको हमसे दूर करती, हमसे दूर करती, वरना हमारी ईमान खराब हो जाती। बहुत अच्छा नहीं किया आप, देखा क्या भाई? कमाल है, शेख साहब की तो चांदी हो गई है। ए, ए, चार शादी तो उसने पहले ज कर रही है, पांचवी शादी इसके साथ करेगा क्या? क्या बोलती? हाय हाय शेख साहब, मेरे को अकेले को छोड़ को यहाँ पर अकेले बैठे क्या खा रहे ले? तुम हमारी साथ नहीं बैठती, हमारी साथ नहीं बैठती। काय को नहीं बैठती बोलो? अरे एक शेख देखा, दिल में समाया और प्यार जागा, पर दूर भागा और प्रेम जागा। अरे शेख घबराया गले से ना लगाया, शेख घबराया गले से ना लगाया। आगे क्या बोलूं यार मैं पापी दिल से हारा, आगे क्या बोलूं यार मैं पापी दिल से हारा। के रही गले में अभी तो इन्होंने गाना शुरू किया है, बहुत जल्दी यहाँ पे बाजा भी आ जाएगा। फिर से ऐसी हरकत की तो स्कूल से निकाल दूंगी, समझे? हाय 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 हाय, क्या गरज वेली ने? इन्हें सिर्फ गरजते ही हैं कि बरसते भी? अरे बाबा अगर ये बरस जाती ना तो तुम्हारा हवा टाइट हो जाता, समझे? हाय हाय, मैं हो जाता नहीं, हो जाती। आज फिर राधा आती हमारे पास बैठती, हमको तंग करती, तुम उसी को भगाती क्यों नहीं? शेख साहब हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब लोग मजबूर हैं। वो मालूम रात को हमारे घर पे फोन करके पूछती शलजम होगी कि नहीं। हम बोली उसको शलजम तो तरकारी की दुकान में मिलती, तुम हमको फोन क्यों करती? नहीं नहीं, उसने शलजम नहीं कहा होगा, उसने संगम कहा होगा। ये कौन सी तरकारी होती है? ये कोई तरकारी नहीं होती है, ये संगम का मतलब होता है मिलन। क्या बोली?
ओ यार वो अकेले में तेरे से मिलना चाहता होगा। क्यों चाहती तुम लोग कुछ करती क्यों नहीं, हमको बचाती क्यों नहीं? अयो राधा शेख एकदम पीछे पड़ गया ना। बराबर सर, हम क्यों मिस्टर मिल्कशेक का इज्जत राधा से बचाना को मांगता है? ऐसा तो सारा किसी का भी इज्जत खतरे में पड़ सकता है। सर मैं बोलता कुछ करना पड़ेगा अपने को। ओ हाँ सर, कल को मेरी इज्जत में भी हाथ डाल सकता है। किचन में हाथ कैसे डालेगा? वो जैसे शर्ट में हाथ डालते हैं, लेकिन शर्ट उतर जाएगा तो इज्जत भी तो उतर जाती है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ शर्ट और इज्जत में बड़ा गहरा ताल्लुक है। लखन तुम बड़ा इंटेलिजेंट है। तो मैं सर को कैसे समझाऊं? तुम लोग अपने अपने बात करती, अपने अपने बात करती, हमको क्यों नहीं बचाती तुम लोग? एक मिनट शेख भाई, शेख भाई को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूँ पड़ से। देखिए इनको बचाने का बस एक ही तरीका है कि जैसे वो आपके पीछे पड़ता है वैसे ही आप उसके पीछे पड़ जाइए। सर सर सर, पीछे पड़ने से क्या होगा? देखिए जैसे वो क्लास के अंदर आता है आप उसको इतना ज्यादा तंग कीजिए कि वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। बताइए अरे पीछा करते करते वो लोग स्कूल तक पहुंच गए थे। अरे चतुर्वेदी ने रोक लिए वरना तो क्लास तक पहुंच जाते उन लोग। अरे माटी मिली उन लोगों के घर में माँ बहन नकु है क्या? अरे खा जाने वाली नजरों से ताक रहे थे मेरे कुआ। वो लोग वान भी देखता खाता इल्ले। हम देखता भी है और खाता भी है। क्या बोले तुम्हें? ये सब लोग तुमसे शादी करना चाहते हैं। शादी? और इतने लोग? मेरे को क्या द्रौपदी समझ कर रखे तुम लोग? तो है और चलो छोड़ो। बस 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 चलिए अपनी अपनी जगह पे बैठिए। चलिए बैठिए अपनी अपनी जगह पे। चलिए देखिए मैं आपको बचा सकता हूँ लेकिन आपको मेरी बात मानना पड़ेगा। मानूंगी, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। करूंगी। आज के बाद आप शेख साहब को तंग नहीं करेंगे? नहीं करूंगी। करूंगी नहीं, करूंगा। नहीं करूंगा। चलिए चल के बैठिए और पढ़ाई कीजिए। जाती हूँ। अरे भाई ये बिना ताली बजाए हुए नहीं जा सकते आप। आदत जाने में टाइम लगेगी ना। फिर हमारे पास बैठती, हम पहले बैठती थी अभी बैठता हूँ। आज के बाद अगर इसने क्लास के अंदर फीमेल स्टाइल में बात की तो इसको 100 रुपए फाइन। नहीं करूंगी। जो ये महिला तुम वापिस फीमेल का वापिस बिहेव करेगा ना तो तुम्हें को 100 रुपया डंडा भरने को पड़ेगा। हाँ हाँ, और अगर तुमने शरारत किया तो मैडम तुमको दिखा देगी, क्लास से बाहर निकाल देगी। ब्लडी हो तुम, फिक्र मेरे को करो, मैं एक भी गलती नहीं करूंगा। पर तुम्हें औरत और मर्द के बीच में कैसे आ गया? तुम ही लोग अपना रंग चला को मेरा ढांचा बदल कर रख दिए ना। अयो हमारा रंग तुम्हारे ऊपर कैसे चढ़ गया? क्या है कि मेरे को है ना बचपन से बहुत शौक औरत लोगों के बीच में बैठने का। घर वाले मेरे को रोके तो मैं घर छोड़ के भाग गया। अच्छा और फिर क्या है? फिर क्या है? फिर जो मैं बना वो आपके सामने हूँ ना। पर तुम गदी गदी इतना बेंच काय को होता है? अब ये इतना नखरा नजाकत काय को दिखाता है? ओहो, इतना फैशन तो छोकरी लोग पर नहीं करता छे, तमे क्यों करता छे? क्या रे तेरे बॉडी को कोई भी पार्ट तो फिकस करके नहीं रखे लगे? जब भी तू इधर से उधर से इधर से हिलते रहते है काय को? पार्ट मेरा हिलता ही, तकलीफ तुमको काय को होता ही? नो 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 मिस्टर हिजर, तकलीफ नहीं शेम होता है। शेम जिस मर्द को होती हरकत औरत का करती। तमे एक काम करो, आप बद्दा पुरुष भाई की तरह शर्ट पेंट पहनना सीख जाओ। ये घाघरा क्यों पहनता छे? यो इतना लंबा लंबा बाल लड़की लोग भी नहीं रखता, तुम काय को रखता? हो तुम्हें ठीक बोल, मैं कल ब्यूटी पार्लर को जाके अपने बाल कटा कर आती फिर आती बोली। फाइन भर भर को मेरा तो झोली खाली हो गई ना। यार तू बार बार घाघरे को चक्का क्यों देता है? कितना खराब लगता है, ये आदत छोड़ दे। एक काम करो आ घाघरा काढ़ी रखो, एकदम हेवी ऑटोमेटिक्स चला जाएगा। कैसी बात करते? अरे ये तो हमारा हमारे बिरादरी की यूनिफॉर्म है, अगर हम इसको उतार देते हैं तो क्या पहनते हैं? देख यार जब तक तू हमारी बिरादरी में है तुमको हमारी बिरादरी के कपड़े पहनने पड़ेंगे। हाँ, समझा? हाँ। समझा।
अ को आ, अ को आ, ध को आ, ध को आ, आधा, आधा। भाई आप कौन है, ऐसे क्लास के अंदर सीधे कैसे चले आए? आप लोग नहीं पहचाने मेरे को? मैं राधा, आपकी राधा। वाह राधा, तुम बहुत बहुत हैंडसम लगते हो। ओए, ये हैंडसम लगता है तो मैं क्या लगता हूँ? तुम उल्लू लगता है। राधा तुम एकदम सुंदर दिखता। हम सुंदर नहीं दिखता? तुम एकदम हाई क्लास लगता छो। अरे वाह वाह, तुम लोगों को क्या मैं हाई क्लास नहीं दिखता? देखो मेरी तारीफ सुन के कैसा जल रहे ना लोग। तुम्हें इनको छोड़ो, तुम्हें मालिक पास से बेचो। नको बाबा, और ताना बैठ बैठ को मेरा वो हुलिया हो गया था, अब तो मैं सिर्फ मर्द लोगों में बैठता ही। वेरी गुड, लेकिन अगर आप मर्द लोगों के साथ बैठना चाहते हैं तो भाई फिर अपना नाम भी मर्दों वाला रखिए ना। इतना सोच तो बदल डाले आप, नाम भी बदल डालो। सर मैं बताता हूँ, इसका नाम ना पर्वत सिंह रख देते हैं। अरे इतने मुलायम आदमी का नाम पर्वत सिंह? तो फिर मुलायम सिंह रख देते हैं। अरे भाई सिंह लगाना जरूरी है क्या? नहीं, सिंह लगाने से जरा मर्दों वाली बात होती है ना। क्यों, सिंह के बिना आदमी मर्द नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ, इसका नाम सुधरा हुआ इंसान रखो। मैंने इनका नाम पूछा था, किसी फिल्म का टाइटल नहीं पूछा। सर मैं बताता, सर इसका नाम परिवर्तन रखेगा, परिवर्तन। इंसान का नाम पूछा है, उपन्यास का नाम नहीं पूछा। सर इनका नाम भारत भाई रख देते। नहीं नहीं, भारत बहुत ओल्ड फैशन है, हम इंडिया रखेगा फिर मॉडर्न भी हो जाएगा। अरे अगर रखने का जाए तो फिर हिंदुस्तान रखो। नहीं, हिंदुस्तान में सर कितना वजन है, हिंदुस्तान। नहीं यार नहीं, हिंदुस्तान इसका देश का नाम इस पर नहीं रखते सर, नहीं तो इसमें भी घोटाला हो जाएगा। घोटाला तो तुम्हें लोगों ने कर डाले। क्या था मई, क्या बना रही? हम नाम बताती सर, इसका नाम रखती तालीम। देखिए अगर तालीम ऐसी हो गई तो कौन हासिल करना चाहेगा? इसका नाम भाई रखो। नको बाबा, भाई नको, ये भाई लोग अपना रेपुटेशन तक खराब करके रख डाले। मैं अपना नाम भाई नको रखने का। फिर तो पर्वत सिंह ही ठीक है। मेरा परिवर्तन। इतने टाइम में आप लोग ढंग का एक नाम नहीं सोच सके? इन्हीं लोग तो नामा रखने में फेला हो गई। गुरुजी तुम एक बोलो ना, क्या नामा होना मेरा? मैं इनका नाम प्रकाश रखता हूँ। वेरी गुड प्रकाश। पर अकेला प्रकाश क्या होना, आगे पीछे तो कुछ होना पड़ता ना। सर सर पीछे वाला प्रकाश के आगे लगाने का प्राइम, प्राइम प्रकाश। वेरी गुड, आज से इनको कोई राधा नहीं बुलाएगा, सब लोग क्या बुलाएंगे? मैं आया था राधा बनके, अब मैं जा रहा हूँ प्रेम प्रकाश बनकर। अब ये प्रकाश पूरी बिरादरी में फैलाना। हाँ, मैं जाको एक किलासा खोलूंगा और बिरादरी के लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ लेकिन हैदराबादी लैंग्वेज में मत पढ़ाइएगा। जी नहीं। अच्छा मैं चलती। अच्छा, चलती। संभाल के जो चाहे कहो पर सब एक पाल के। जबान संभाल के